हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों, आज हम करेंगे टीओसी के अंदर एनएफए डिज़ाइन, और एनएफए डिज़ाइन के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो पहले से शूट कर चुके हैं। दोस्तों, एनएफए डिज़ाइन के साथ साथ हम एनएफए में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर यूजीसी नेट और गेट के अंदर पूछे जाते हैं, वो सारी टाइप्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे हम करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन पहले हम टॉपिक करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम डीएफए कर चुके हैं, अभी हम एनएफए स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज क्या देखना है, एक्सेप्टेंस बाय एनएफए। डेल्टा स्टार इनिशियल स्टेट पर, अगर हम W यानी कि कोई भी स्ट्रिंग रीड करेंगे तो हम पहुंचेंगे फाइनल स्टेट पर। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ट्रांजैक्शन फंक्शन यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। इसमें क्या कहा गया है कि इनिशियल स्टेट पर अगर हम कोई भी स्ट्रिंग रीड करते हैं और उस स्ट्रिंग को रीड करने के बाद अगर हम एक बार भी फाइनल पर पहुंच जाते हैं तो हम फाइनल स्टेट यहाँ पे यानी कि एनएफए हमें मिलने वाला है। यानी कि एक बार भी हम किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम इनिशियल स्टेट पर रीड करते हैं तो एक बार अगर हम फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब वो एनएफए सही होगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए, ये डीएफए है। डीएफए में अगर हम ए सिंबल को रीड करते हैं इनिशियल स्टेट से, ए सिंबल को हमने रीड किया, हम पहुंचे Q1 स्टेट पर यानी कि फाइनल स्टेट पर, और फिर ए सिंबल को हम रीड करते हैं दोबारा से और हम पहुंचेंगे Q2 स्टेट पर, तो दोस्तों यहां पे ये बात गलत होने वाली है। यानी कि यहां पर ए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट डीएफए नहीं करेगा, यानी कि ये डीएफए गलत होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां पे जो ये Q2 स्टेट है ये नॉन फाइनल स्टेट है और यहां से हम फाइनल स्टेट पर पहुंच नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो स्टेट है ये ट्रैप स्टेट है दोस्तों, ट्रैप स्टेट है। और यहाँ पे हम सिंगल पाथ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक पाथ को ही फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हमने ये क्या कर दिया, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पाथ को फॉलो कर लिया, क्योंकि ए सिंबल को हमने रीड कराने के बाद Q1 स्टेट पर भी पहुँचा दिया और ए सिंबल को हमने Q2 स्टेट पर भी पहुँचा दिया। यहाँ पे जैसे ही ए आएगा तो ए हो सकता है इस ट्रैप स्टेट में पहुँच जाए और फिर उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ ए आए वो आपका ट्रैप स्टेट के अंदर ही रहने वाला है दोस्तों। इसका मतलब यहां पे इस तरह से एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डीएफए के अंदर। अगर यहां पे बी सिंबल होता, इनपुट सिंबल ऑफ ए बी होते, ए और बी होते, तो दोस्तों यहां पे हम बी रख देते तो इसका मतलब क्या बन जाता कि जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हैं वो ही यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी। अगर बी से कोई स्ट्रिंग स्टार्ट होती तो वो जाती दोस्तों आपकी ट्रैप स्टेट के अंदर और यहाँ पे वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाती। यहाँ पे सिर्फ ए नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कि जितनी भी स्ट्रिंग्स ए से स्टार्ट हो रही हैं वही यहाँ पे एक्सेप्ट होती। अब दोस्तों एनएफए के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमने वही कंडीशन लागू की जो यहाँ पे कंडीशन लागू की थी। यहाँ पे भी हमने ए सिंबल को रीड किया Q0 स्टेट से तो हम पहुँचे Q1 स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट पर, और दोबारा से फिर हमने ए रीड किया फिर पहुँचे हम Q2 स्टेट पर यानी कि नॉन फाइनल स्टेट पर। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे तो ये ट्रैप स्टेट थी लेकिन यहाँ पे ट्रैप स्टेट नहीं होती है, एनएफए के अंदर ट्रैप स्टेट बिल्कुल नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक सिंबल को हम दो जगह पे पहुँचा रहे हैं, यानी कि एक जो हमारे पास स्ट्रिंग है ए की, उस स्ट्रिंग को हम दो स्टेट्स पर पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों यही तो काम होता है एनएफए का, यानी कि कोई एक अगर आपके पास सिंबल है तो उसको हो सकता है हम रीड ना भी करें, यानी कि फाई हो सकता है चॉइस, उसके बाद एक जगह पहुंचाएं वो भी चॉइस होती है, उसके बाद दो जगह भी पहुंचा सकते हैं दोस्तों, ये भी चॉइस एनएफए के अंदर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एनएफए आपका राइट होने वाला है। क्यों राइट होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक बार देखना है बस, अगर हम एक बार फाइनल स्टेट पर पहुंच गए तो इसका मतलब ये एनएफए है, ये मशीन उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। हमें दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, दूसरी चीज़ कहीं जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एक बार हम फाइनल स्टेट पर पहुंच गए तो इसका मतलब ये एनएफए आपका सही होने वाला है और ये मशीन आपकी ए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने वाली है। तो दोस्तों ये था एक्सेप्टेंस बाई एनएफए। यहाँ पर हमने दोनों में अंतर देखा है, डीएफए में और एनएफए में, और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
अब करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, देखिए लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA, यानी कि NFA कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। दोस्तों NFA और NDFA दोनों एक ही बात होती है, इसको यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और NFA यहाँ पे इसका ही NFA शॉर्ट में बना दिया गया है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। देखिए तो जो NFA होता है वो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, देखिए ये आपने पढ़ा भी होगा, हम दोबारा से इसको कर लेते हैं, पहले वीडियोस में आपने देखा होगा। सबसे पहले रेगुलर ग्रामर, रेगुलर ग्रामर किस लैंग्वेज को जनरेट करता है, रेगुलर लैंग्वेज को, रेगुलर ग्रामर रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है। उसके बाद दोस्तों रेगुलर लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन एक्सेप्ट करती है, रेगुलर लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन एक्सेप्ट करती है। और दोस्तों फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन दो तरह से हो सकती है, एक तो DFA और एक NFA। फाइनाइट ऑटोमेटा जो मशीन होती है वो दो तरह से होती है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी हो सकती है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी हो सकती है। दोस्तों अब देखिए जो NFA होता है वो सारी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं उन सारी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट NFA करता है। अब देखते हैं दोस्तों DFA के बारे में, DFA भी सारी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है, यानी कि NFA भी और DFA भी दोनों के दोनों सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें कि पावर किसकी ज़्यादा है तो किसकी पावर ज़्यादा होगी, यहाँ पे किसी की भी पावर ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर DFA या NFA कोई एक थोड़ी बहुत कम लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, यानी कि कुछ लैंग्वेजेस को, कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता तो उसकी पावर कम होती, लेकिन यहाँ तो दोनों के दोनों सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों पावर पावर क्या होगी NFA और DFA की बराबर होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार UGC नेट एग्जाम में पूछा गया है और कई बार गेट में भी पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। क्यों होती है इन दोनों की पावर बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए दोनों की पावर सेम होती है। दोस्तों अब देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं UGC नेट और गेट एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है और मोस्टली एक दो क्वेश्चन ये पूछ ही लिया जाता है इनको, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कन्वर्ट NFA टू DFA, बिल्कुल सही बात है, NFA को हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि NFA का मतलब होता है कि इजीली मशीन बनाना, NFA की मशीन हम सिर्फ कागज़ों में ही बना सकते हैं, यानी कि एक तरह से एज्यूम ही कर सकते हैं, रियल में हम NFA की मशीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि NFA की मशीन तो कभी काम करेगी कभी नहीं करेगी, उस मशीन का हम क्या करेंगे, हमें तो DFA की मशीन बनानी है जो प्रॉपर काम करें। तो NFA को हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले देखिए मिनिमम DFA बनाना होता है हमें MDFA, ये मैंने पहले भी समझाया था, इसको बनाने के लिए हम DFA में मशीन बना लेते हैं, और DFA थोड़ा हार्ड होता है, DFA बनाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले NFA बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम NFA बनाते हैं क्योंकि ये सिंपल होता है बनाना, उसके बाद NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं, फिर DFA को मिनिमम DFA में कन्वर्ट करते हैं। मिनिमम DFA का मतलब होता है कम नंबर स्टेट्स में मशीन बनानी, यानी कि ऐसा DFA बनाना जिस DFA के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हों, तो उसे कहते हैं MDFA, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कन्वर्ट NFA टू DFA, बिल्कुल कर सकते हैं कन्वर्ट NFA टू DFA। उसके बाद दोस्तों कन्वर्ट DFA टू NFA, तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं कि क्या DFA को NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाई सही मशीन को आप बेकार यानी कि ख़राब मशीन में क्यों कन्वर्ट करोगे, देखिए DFA सही मशीन है, इसको हम उल्टा कन्वर्ट क्यों करेंगे, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। देखिए आप कोई एरोप्लेन उड़ा रहे हो, वहाँ पे क्या आप ऐसी मशीन का यूज़ करना चाहोगे जो आपके आदेश का पालन कर भी दे और नहीं भी करे, वहाँ पे तो आप मार खा जाओगे, तो इसलिए हमें DFA मशीन का ही यूज़ करना है, यानी कि DFA को वापस NFA में कन्वर्ट हम क्यों करेंगे, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, तो इसका मतलब यह रॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद एवरी DFA इज ऑल्सो NFA, बिल्कुल सही बात है, DFA जितने भी होते हैं, जितने भी DFA होते हैं वो सारे के सारे NFA से ही बनकर आते हैं, क्योंकि NFA को ही हम कन्वर्ट करते हैं DFA मशीन में, ये क्वेश्चन भी आपका सही है। उसके बाद दोस्तों एवरी NFA इज ऑल्सो DFA, क्या एवरी NFA इज ऑल्सो DFA,
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। एवरी डी एफ ए इज़ ऑल्सो एन एफ ए, यानी कि जो डी एफ ए होते हैं वो एन एफ ए होते हैं। एवरी डी एफ ए एन एफ ए होते हैं, क्योंकि एन एफ ए से ही बनकर डी एफ ए में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है, एवरी एन एफ ए इज़ ऑल्सो डी एफ ए, तो क्या एवरी एन एफ ए, ये जितने भी एन एफ ए हों, ये क्या सब के सब डी एफ ए हो सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर ये सब के सब डी एफ ए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एन एफ ए के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि एवरी एन एफ ए इज़ ऑल्सो डी एफ ए। देखिए, जो एन एफ ए डिटर्मिनिस्टिक पाथ को फॉलो करेगा वो तो डी एफ ए होगा, लेकिन जो एन एफ ए डिटर्मिनिस्टिक पाथ को फॉलो नहीं करेगा वो डी एफ ए बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एन एफ ए, एवरी एन एफ ए डी एफ ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों। तो ये पॉइंट्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और दोस्तों इनको अच्छी तरह से आपको करना है, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।